पुष्कर में स्थित इजरायलियों का धर्म स्थल बेखबाद हाउस को आज खोल दिया जाएगा। इजरायल धर्म गुरु शिमशो गोस्टीन अपने परिवार सहित आज पुष्कर पहुंचे। हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति गर्मियों में इजरायलियों की आवक बंद हो जाने के बाद 2 मई को बंद कर दिया जाता है। यह हमेशा इसी तरह 4 महीने बंद रहता है, अब वापस खोला जा रहा है। यह सभी इजरायलियों पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुष्कर थाना प्रभारी सहित सभी जाँच एजेंसियाँ इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं एवं सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसराइल और हमास के युद्ध होने की वजह से इसराइल पर्यटन की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार, राज्य सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारी सभी उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते हैं। सभी जांच एजेंसी अलर्ट पर हैं एवं 2 अक्टूबर को इसराइल पर्व रोशेसनाथ मनाया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में इस जगह पर्यटक आने की संभावना है। अपने पूर्व के अंदर 2 मई को ये बंद हो गया था और 4 माह बाद ये वापस खुला है 23 सितंबर को। और आज इसमें धर्म गुरु शिमशो गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित यहाँ शाम को आ जाएंगे और ये सभी इजराइल पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे हमेशा की तरह सामूहिक भोजन, सामूहिक प्रार्थना और जो इनके जो पूजा वगैरह चलता है वो चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद के अंदर 2 अक्टूबर को उनका रोशेसनाथ है, जो नया साल कह रहा था, उसके इजराइल पर्यटक ही आएंगे और उसको भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। This black rice has a very unique flavor